सिलेंडर महंगे हो रहे हैं और मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हम भी कभी मोदी जी के भक्त हुआ करते थे, लेकिन आज सच्चाई कुछ अलग है। देश में बदलाव की भावना है और ख़ास तौर पर सपना से सिद्धार्थ कुशवाहा जीत कर आ रहे हैं। होटल में संसद जी पढ़े लिखे भी हम ही पढ़े साथ में गणेश सिंह के, लेकिन आज तक यहाँ कॉलेज नहीं हुआ। इस बार का माहौल बदला हुआ है क्योंकि मोदी जी ने झूठ बोली किसानों से। मैं एक किसान हूँ और उन्होंने कहा कि 3100 रुपए धान लेंगे और उसमें सिर्फ जुमलेबाजी हुई। और आप लोग को गारंटी पे भरोसा नहीं, नहीं है। गारंटी पे भरोसा नहीं, गारंटी पे जब भरोसा था तब तो हुआ नहीं, अब क्या गारंटी पे भरोसा रखेंगे। मेरे गाँव में भाजपा कम से कम 5 वर्ष जीती, कोई काम नहीं हुआ, ना एक गौशाला दिया गया। इनके सब वादे झूठे हैं। क्या डबल इंजन की सरकार यहाँ पर काम नहीं कर रही है क्या? नहीं कर रही भैया, नहीं कर रही डबल इंजन की सरकार, वृंदावन शुक्ला है। हो गया, वो मोदी जी की लहर थी और मोदी की गारंटी में लोग वोट देते थे, लेकिन अब तो मोदी जी भी झूठ बोल रहे हैं। तो अब क्या किसके ऊपर गारंटी की, किस विश्वास पर वोट दिया जाए भाजपा को? बदलाव का मेन कारण ये है, इन्होंने 20 साल जो है तो सांसद बने रहे, कुल मिला के गाँव सब ने वोट दिया और सांसद बन के चुना, लेकिन उन्होंने पैसे के नाम से यहाँ कुछ विकास जमीन स्तर में कुछ नहीं किया। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस बार परिवर्तन तो सतना में होगा, मोदी का तो मोदी और देश जानेगा, अभी सतना का तो हम कह सकते हैं कि परिवर्तन जरूरी है। सांसद जी कम से कम इस विद्यालय में अपना पठन है तो कम से कम कॉलेज तो करवा दीजिए, है तो आपका नाम दिख जाए कम से कम 4-5 वर्षीय कहीं गुरु हो जाएगा। वो कहे कि बने हुआ, अब चुनाव आ गए तो अब क्या होगा उनके द्वारा। हमारे यहाँ ओवर ब्रिज बना तो 6 साल में बना है, 20 साल के होते हुए भी यहाँ की 5 साल पहले जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तब ये रोड में डामरीकरण हुआ था, उसके बाद आज तक फिर से 5 साल हो गए, रास्ता उबड़ खाबड़ हो गई, यही हर जगह की स्थिति है। पूरी दुनिया में चमकते हैं चांद सितारे, बस ऐसे ही है सिद्धार्थ कुशवाहा जी हमारे। विकास के नाम से पैसा आता था तो उन्हीं के कैंडिडेट खा के सब हजम कर जाते थे, यही विकास हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम सतना लोकसभा सीट का भ्रमण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुछ लोगों से हम चर्चा करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि सतना के सियासी हालात किस तरीके से बदल रहे हैं और किस तरीके से इस चुनाव में सियासत दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो मुख्य मुकाबला होता हुआ दिखाई देता है तो दो शख्सियतों के बीच में दिखाई देता है, कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा और भाजपा से गणेश सिंह। पिछली बार गणेश सिंह को हार यहाँ से विधानसभा चुनावों में मिली थी, लेकिन जब लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लगातार 4 बार से वो यहाँ पर सांसद हैं और इस बार एक बार फिर उनके सामने सिद्धार्थ कुशवाहा हैं। इस चुनाव में कैसा चुनावी माहौल है और क्या इस बार सिद्धार्थ कुशवाहा पिछले चुनाव की तरह उन पर भारी होते हुए दिखाई देते हैं या गणेश सिंह लगातार 5वीं बार सतना लोकसभा सीट से सांसद चुन करके जाएंगे। कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी बातें हैं, लेकिन असली जमीनी हकीकत क्या है उसे आपसे हम रूबरू कराने वाले हैं। सभी का स्वागत है द खबरदार न्यूज पर और जानना चाहेंगे कि जो इस बार का चुनावी माहौल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव पे भी वही उम्मीदवार थे जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना परिवर्तित हुआ है माहौल और कौन जीतता हुआ दिखाई देता है? मैं जनता के बीच में अपील करना चाहता हूँ कि रामपुर विधानसभा में हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जबरदस्त मतों से जीत के आएंगे। और एक संदेश मैं देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में चमकते हैं चांद सितारे, बस ऐसे ही है सिद्धार्थ कुशवाहा जी हमारे। यही बोल करके अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना भी क्षेत्र है हमारे रामपुर क्षेत्र, बहुत ज़बरदस्त लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि ऐसा ज़बरदस्त लीडर हमको मिला और लोगों की चाहत है कि सांसद बन करके हमारे रामपुर क्षेत्र में आए। आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं शायद, लेकिन जनता के तौर पर हम जानना चाहेंगे, विशेष तौर पर हम चूंकि ज़मीनी हकीकत की बात कर रहे हैं, तो सतना में कितना विकास हुआ है और कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो और पूरी होनी चाहिए? ज़रूरी तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन क्या है जैसे
हमारे यहाँ ओवर ब्रिज बना तो 6 साल में बना है, 20 साल के होते हुए भी यहाँ की 5 साल पहले जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तब ये रोड में डामरीकरण हुआ था, उसके बाद आज तक फिर से 5 साल हो गए, रास्ता उबड़ खाबड़ हो गई, यही हर जगह की स्थिति है। और स्कूलों का भी जो परिवर्तन होना चाहिए, जो आज 10-15 सालों से है और 8वीं तक है, उनका भी प्रमोशन होना चाहिए भाई, 10वीं तक या 12वीं तक होना चाहिए, आज भी वही स्थिति में है। तो क्या डबल इंजन की सरकार यहाँ पर काम नहीं कर रही है क्या? नहीं कर रही भैया, नहीं कर रही डबल इंजन की सरकार, हम वृंदावन शुक्ला है। लेकिन लगातार कहते हैं हम सब लोग कि बदलाव होना चाहिए बस। तो बदलाव आखिर होना क्यों चाहिए? बदलाव होने के पीछे भी कुछ कारण होते होंगे, तो क्या कारण होंगे? बदलाव का कारण सर जी यहाँ ये है कि जो सांसद के हिसाब से जो वहाँ से अनुदान पैसा वैसा आना चाहिए विकास के लिए, वो पैसा यहाँ तक जमीनी स्तर पर नहीं आ रहा है। बदलाव का मेन कारण ये है, इन्होंने 20 साल जो है तो सांसद बने रहे, कुल मिला के गाँव सब ने वोट दिया और सांसद बन के चुना, लेकिन उन्होंने पैसे के नाम से यहाँ कुछ विकास जमीनी स्तर में कुछ नहीं किया, जो विकास चाहिए आपने। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वर्तमान समय में लोग सांसद नहीं चुनते हैं बल्कि प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो क्या इस लोकसभा सीट के लिए मोदी जी उतना प्रभावी दिखाई नहीं देते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये क्या है, सतना में जो गणेश मतलब जो भाजपा कहना चाहिए कि भाजपा के द्वारा काम किए गए ये दिखाए गए, तो ये मेरे हिसाब से एक मोदी की लहर का काम हुआ है यहाँ पे। और काम तो आप सब देख रहे हैं, आए हुए हैं, आप भी आए हुए हैं तो देखा ही होगा कि कितने काम अभी प्रभावित हो रखे हैं और कितने काम रुके पड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ होने वाला, लोग परिवर्तन की दिशा में हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस बार परिवर्तन तो सतना में होगा, मोदी का तो मोदी और देश जानेगा, अभी सतना का तो हम कह सकते हैं कि परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन अगर होता तो क्या आसान है जो तो अगर चुनाव जीत करके आते हैं कांग्रेस तो? करीब ये 4-5 वर्ष ही हो गए रामपुर विधानसभा में कोटर नगर पंचायत है, कम नहीं है, कोटर में संसद जी पढ़े लिखे भी हम ही पढ़े साथ में गणेश सिंह के, लेकिन आज तक यहाँ कॉलेज नहीं हुआ। जितने अभी न्यू रामनगर नगर पंचायत हुआ तो वहाँ पर अभी कॉलेज हो गया, अभी सिंहपुर में कॉलेज, ऐठे जितने भी नगर पंचायत है कॉलेज, लेकिन संसद जी इसी विद्यालय में पढ़े और माने हर सेकंडी के हर सेकंडी रह गई, आगे नहीं बढ़ पाए। आपके साथ ही पढ़ते थे क्या? हाँ, क्लासमेट हैं आप? हाँ, मैं तेजवाली पांडे हूँ कोटर का। नहीं तो मतलब आप एक कक्षा में ही पढ़ते थे या आगे पीछे थे? मैं गणेश सिंह हमको पा गए थे दूसरे साल, लेकिन आपको हाँ और करीब ये 4-5 वर्ष हो गए, संसद जी इसको एक आध दो बार न पाए, सतना से और सिमरिया आज तक ये रोड कहीं चौड़ी होने वाली है, नेशनल हाईवे रोड होना है, तो क्या इसमें डामर भी लपेट दिए तो कैसे में सब वाहन वगैरह चलते हैं, तो विकास के नाम से कुछ नहीं हुआ, जो विकास के नाम से पैसा आता था तो उन्हीं के कैंडिडेट खा के सब हजम कर जाते थे, यही विकास हुआ है। और भाजपा आप जैसे उनके साथ में पढ़ते थे, कभी सांसद बनने के बाद उनसे मुलाकात हुई या फिर कुछ बातचीत आप किसी सुनते हैं? आन सभा में 6 महीना पहले यही पेट्रोल टंकी के पास मैंने बोला, एक टपरी है गोमती चाय के इधर, तो हम कहा सांसद जी कम से कम इस विद्यालय में अपना पठन है तो कम से कम कॉलेज तो करवा दीजिए, हैं तो आपका नाम लिख जाए कम से कम 4-5 वर्ष है, कहीं गुरु हो जाएगा वो कहेगा मैंने हुआ, अब चुनाव आ गया तो अब क्या होगा उनके द्वारा, जनता सहपाठी भी नाराज है। हाँ, तो विकास के नाम से कोटर में कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत जाना हॉस्पिटल बन गई है, वही विधायक जी बिक्की के थोड़ा सहयोग रहा तो बन गई, नहीं वो भी अभी को संसद जी खींच रहे थे अपनी जातीयता समीकरण के माही, वहाँ उनकी समाज ज़्यादा है तो यहाँ पर न हो के पूरी जोरा लगाए थे तो जाना अपने गांव के कुछ जुड़ गए माने कहीं यहाँ पानी भरा है हर चीज़ है कहीं सब हम पानी को सब साफ कर देंगे तो फिर अपना यहाँ कॉलेज जाके हॉस्पिटल माने कम से कम थोड़ी बहुत माने चालू है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यही हुआ है यहाँ। और विकास के नाम से संसद द्वारा बताया गया यहाँ कुछ नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में यहाँ भाजपा ने जीत दर्ज की थी, इस बार जो है क्या कंडीशंस दिखाई देती है? इस बार का माहौल बदला हुआ है क्योंकि मोदी जी ने झूठ बोली किसानों से, मैं एक किसान हूँ और उन्होंने कहा कि 3100 रुपये धान लेंगे और उसमें सिर्फ जुमलेबाजी हुई और उसका कोई बोनस नहीं आया, कुछ नहीं आया, और एक हम किसान हैं और दिन प्रतिदिन यूरिया DAP सब कुछ महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर महंगे हो रहे हैं और मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं,
हम भी कभी मोदी जी के भक्त हुआ करते थे, लेकिन आज सच्चाई कुछ अलग है। देश में बदलाव की भावना है और ख़ास तौर पर सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा जीत कर आ रहे हैं। जी, भूतपूर्व भक्त हैं आप? जी, बीजेपी के भूतपूर्व थे और इन्होंने तो सिर्फ जातिवाद ही चलाया है और कोटर का तो बंटाधारी हो गया। कोटर का कोई विकास नहीं किए सांसद जी, 20 साल रहने के बावजूद भी पब्लिक में कोई काम नहीं किए। और किसानों से तो सिर्फ जुमलेबाजी की कि 2700 रुपये धान लेंगे, 2700 रुपये गेहूँ लेंगे, 3100 रुपये धान लेंगे, उसमें कुछ नहीं किया। उन्होंने पूरे पुराने खरीदी के भाव में पुराना खरीदा और कसी किसानों को मात दे दी। आप कह रहे हैं कि आप भूतपूर्व भक्त रहे हैं, मोदी जी के भूतपूर्व चौकीदार भी रहे होंगे, अभी मोदी जी का परिवार था तो परिवार में शामिल नहीं हुए आप? परिवार में अब क्या शामिल हो, मोदी जी तो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। और गारंटी दी जा रही है देश में जो होते, तो क्या आप लोग को गारंटी पे भरोसा नहीं? नहीं, गारंटी पे भरोसा नहीं। गारंटी पे जब भरोसा था तब तो हुआ नहीं, अब क्या गारंटी पे भरोसा रखेंगे। देश के लिए कई सारी गारंटीज दी जा रही हैं और मोदी जी के नाम पर देश में पूरा ही चुनाव लड़ रही है बीजेपी, लेकिन आखिर क्या कारण है कि सतना में फिर जो तो आप लोग के बताए अनुसार सतना में फिर कहाँ कमजोरी है? सतना में कमजोरी आ रही, मोदी जी बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं और किसान कर्ज में दबा जा रहा है। इस वजह से अब आवाज तो कोई गरीबों को मिला ही नहीं। जहां उनके कैंडिडेट थे जो उनके एकदम चाट कोरता करते थे, उनको ही आवास दिया गया, उनको ही सारी सुविधाएं दी गई। बाकी गरीब जनता तो आज भी उसी तरह बेहाल है। पूरे कोटर में सर्वे कर लिया जाए, कहीं भी एक शौचालय अगर दिखा दिया जाए तो स्वच्छ भारत के तहत, तो हम मान लें कि मोदी जी विकास किए हैं। आवास के नाम में 50,000 रुपया माने लेके और मकान को दिए हैं, यहाँ इस प्रकार माने भावसा माने चला है। नहीं, एक शौचालय नहीं है कोटर गांव। स्वच्छ भारत हो चुका है कोटर गांव के अंदर, आप कहीं भी सर्वे कर लीजिए, एक शौचालय नहीं मिलेगा आपको। स्वच्छ भारत के अभियान, एक शौचालय नहीं मिलेगा और सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। ऊपर से पैसा आता है, उनके कैंडिडेट सब खा जाते हैं, अपने अपने सहपाठियों को जेब भर देते हैं। थोड़ा सा आप लोग पास आ जाइए, अब की बार 400 पार का नारा है, तो कितना इसे राजनीतिक मानते हैं, कितना हकीकत है? अगर मेरा गांव लखनवाय है, मेरे गांव में भाजपा कम से कम 5 वर्ष जीती, कोई काम नहीं हुआ, ना एक ठोर गौशाला दिया गया। इनके सब वादे झूठे हैं। धान के लिए बोले 2700, गेहूं के लिए 2700 धान का, 3100 गेहूं का, कोई बस झूठे वादा है कि हम बिल माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, कोई काम नहीं हुआ। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, बस ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। तो सतना में अगर हम बात करें भाजपा के कार्यकाल में, सांसद गणेश सिंह के कार्यकाल में, तो कौन से अच्छे काम रहे? अब सब कुछ बुरा तो नहीं होता है, कुछ अच्छा काम भी रहा होगा। सतना की अपेक्षा आप रीवा को देख लीजिए, रीवा कहाँ है और सतना कहाँ है, जबकि सतना सबसे आगे चलता था और सतना आज सबसे पीछे हो गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी हुई है, कोई विकास नहीं हुआ, कोई ना कॉलेज कहीं बने हुए हैं क्षेत्र में। सारी जनता सिमरिया तक की जनता है पढ़ने के लिए सतना जाती है, तो समझिए कि 40 किलोमीटर का सफ़र करके बच्चे सतना जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो कोई विकास तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर 40 किलोमीटर बच्चा अगर कॉलेज के लिए जा रहा तो फिर क्या विकास हुआ बताइए। लेकिन फिर भी कुछ तो कुछ अच्छा हुआ होगा, जिसकी वजह से 20 साल तक वो लगातार सांसद चुने गए, तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ गलत हुआ होगा। हो गया, वो मोदी जी की लहर थी और मोदी की गारंटी में लोग वोट देते थे, लेकिन अब तो मोदी जी भी झूठ बोल रहे हैं, तो अब क्या किसके ऊपर गारंटी की, किस विश्वास पर वोट दिया जाए भाजपा को। तो ये थे सतना के रामपुर बघेलान क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लोग। देश में एक तरफ भले ही नारा दिया जा रहा हो 400 पार अब की बात, भले ही मोदी जी की गारंटी पर देश बिलीव कर रहा हो, लेकिन यहाँ के लोगों की अगर हम बात करते हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दों की अगर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि मोदी की गारंटी और अब की बार 400 पार का नारा यहाँ फेल होता हुआ दिखाई देता है। हालांकि वास्तविक हकीकत क्या है, यहाँ के वास्तविक लोगों की सोच क्या है, ये आने वाले 4 जून को जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद सही साबित हो पाएगा और उसी दिन पता चल पाएगा कि इस बार सतना का सियासी ऊंट किस करवट बदला है, गणेश सिंह 5वीं बार चुने जाते हैं या फिर सिद्धार्थ कुशवाहा विधानसभा की तरह दोबारा गणेश सिंह को चुनावी मात देते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।